नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शैलन। जिस वक्त हम इस डिबेट की शुरुआत कर रहे हैं, लगभग उसी वक्त दिल्ली में चुनावी घमासान समाप्त हो चुका है। यानी अब जो लाइन में लगा होगा वही वोटिंग कर पाएगा। यानी करीब करीब प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। दिल्ली में 70 सीटों के घमासान समाप्त हो चुका है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होने के साथ ही अब सवाल यह है कि आखिर जनता का दिल किसने जीता, किन मुद्दों पर दिल्ली का चुनाव हुआ, आप बीजेपी कांग्रेस के लिए ये चुनाव क्या सबक, क्या परिणाम देने जा रहा है। जमीनी स्तर पर सही सही अनुमान लगाना अभी भी बेहद कठिन है, लेकिन दिल्ली का चुनाव क्या संदेश देगा, न्यू पॉलिटिक्स विकास परक राजनीति की राह दिल्ली का चुनाव फिर से किस तरह से तय करने जा रहा है, और आखिर दिल्ली में किसका होगा राजतिलक। का जो वाइब्रेशंस है वो मुझे हर तरह से, जो भारत का एक विश्वास है वाइब्रेशंस की, सिक्स सेंस की, वो कह रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी है जो नफरत, पैसा, इन सब के दम पे चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी है शिक्षा, बच्चों का भविष्य, इन सब पे चुनाव लड़ रही है। पूर्ण बहुमत से बहुत अच्छी सरकार बनेगी। देखिए, इलेक्शन किसके लिए है? असेंबली के लिए है ना, तो जाहिर बात है असेंबली के लिए वोट देंगे। दिल्ली के नागरिक जानते हैं, उनका शहर है, उनको मुद्दे मालूम है, वो उस हिसाब से वोट देंगे। तो दिल्ली का दंगल में अब कौन किसके लिए मंगल करने जा रहा, किसके लिए अमंगल की सूचना है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित पुरी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, फरहत रईस खान हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के, और प्रमोद गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ दीपक जैन, आपके प्रवक्ता हैं, दिल्ली से भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत अमित पुरी जी आपसे ही करेंगे। दिल्ली की राजनीति वो राजनीति है जिसने न्यू पॉलिटिक्स को भी सराखों पर बिठाया है, जिसने राष्ट्रवाद पर भी लोकसभा के चुनाव में मुहर लगाई, अब लड़ाई विधानसभा की है। केजरीवाल के सामने बीजेपी कितनी परेशानी बनने जा रही, सत्ता में वापसी होगी केजरीवाल की, आपकी, या फिर बीजेपी परेशानी बनेगी सत्ता में वापसी करने जा रही। मैं एक ही चीज कह सकता हूं, दिल्ली की परेशानियों पर बीजेपी मलहम बनने का काम करने जा रही है। बिरयानी भी खिलाएंगे, एक मिनट सुनते चले। आप का नाम तो अमित पुरी है नहीं, आपने अमित पुरी से पूछा है, वो मैं ही रखता हूं। नहीं, ये परेशानी बिरयानी वाली भी बहुत दिन से, अरे आ जाइए, बिरयानी का जिक्र किया। और दिल्ली की तासीर रही है कि अहमद शाह अब्दाली से लेकर के अफगानों के किसी भी लुटेरे ने दिल्ली को जब जब लूटने का काम किया है, दिल्ली उजड़ी जरूर है लेकिन उजड़ करके दिल्ली बस ना जानती है। तो दोबारा दिल्ली फिर से बसेगी, नादिरशाही फरमानों से आगे आकर के दिल्ली फिर से विकास के रास्ते पर, विश्वास के रास्ते पर, और रोहिंग्यावाद को छोड़कर राष्ट्रवाद के रास्तों पे चलेगी। अभी तक तो कह रहे थे कि केजरीवाल पाकिस्तान की भाषा बोले थे, अब अफगानों से आपने उनकी तुलना कर दी। अब भाई ऐसा क्या कर दिया, ऐसा है विकास करना क्या अफगान? नहीं, मैंने तो ये कहा नहीं। और अगर अफगानों ने विकास किया था तो इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि अफगानों के विकास से दिल्ली तो कैसी उभरी थी। आप जो तो इसलिए मैंने तो कहा नहीं, उजाड़ा है क्या? मैंने तो ऐसा कहा नहीं, आप मैंने ये कहा दिल्ली को, बिल्कुल दिल्ली को उजाड़ा। किस तरह से उजाड़ा है? दिल्ली की आबोहवा को उजाड़ा, जो 70 सीटों में से 67 सीटों का जनविश्वास लोगों ने दिया था, वो विश्वास 4.5 साल तो आप बताते रहे कि एलजी साहब के दरवाजे पे अटका रहा, और 6 महीने में आप बताते रहे कि मैंने दिल्ली में ये कर दिया, वो कर दिया। तो या तो दिल्ली 4.5 साल एलजी साहब की कश्मकश में जूझ रही थी, और या दिल्ली विकास की पटरी पे चल रही थी। अब ये तो केजरीवाल साहब बताएंगे ना, सच क्या है, मुद्दे क्या थे, क्या चेहरा आपने रखा फिर चुनाव में? दिल्ली के आम आदमी की विकास की अभिप्सायें, ये था दिल्ली का वास्तविक मुद्दा। ये तो शुरुआत में था, हमेशा था, चालीसा भी तो आ गई, बाद में बिरयानी भी आ गई, शाहीन बाग भी आ गया। अब भाई राजनीति, कॉलोनियों का मुद्दा भी बिल्कुल आ गया, हमने रेगुलराइजेशन किया और आगे भी हम कर रहे हैं कि दिल्ली के नई कॉलोनियों के लिए हम रेगुलराइजेशन। फिर ये भी होड़ लग गई कि मुफ्त में कौन कौन सी सेवा दी जाएगी। एक मिनट, आपका इशारा जिस शाहीन बाग की तरफ है,
मैं इधर उधर में बात नहीं करता, क्योंकि कभी भी रिश्तों में सीधे सीधे संबोधन अच्छा होता है, इशारों में बात करना ठीक नहीं है। चिलमन के उस पार ताक झाक तो की जा सकती है, रिश्ते जरा खुलासा होने चाहिए। तो वो जो आपने शाहीन बाग के संदर्भ से बिरयानी, हनुमान चालीसा, दुनिया जहां बताया, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं और मैं सार्वजनिक जीवन में इसका कायल रहा हूं, तात्कालिक घटनाएं से कोई भी चुनाव निष्पक्ष निरपेक्ष नहीं हो सकता। और अगर कोई कहता है कि तात्कालिक घटनाओं से चुनाव निरपेक्ष है तो वो सिवाय अपने गाल को बजा रहा है और दूसरे की पीठ को सहला रहा है। भरत राइस खान साहब, 5 बजे तक 50% से लेके 55% के बीच की वोटिंग, जनता ने क्या संदेश दिया? वही, एक मिनट आप कह लेना, आपकी बात को टोकी नहीं रहा हूँ, मैंने ये बहुत हो गया। मैं भी आपको 67 सीटों के पाने वाले की जनता निकली, वो कम निकली, यही बताती है। युवा नहीं निकली, महिलाएं नहीं निकली दिल्ली की। देखिए शैलेंद्र भाई, निश्चित तौर पर जिस तरीके से निराशा थी क्या मतदाताओं में, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई सूबे के मुख्यमंत्री और कई सांसद, विधायक, पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी, एनडीए से जितनी भी ताकत है सारी ताकत नैरेटिव क्या था, एक विकास पुरुष के खिलाफ लगाई, नैरेटिव क्या गया था। और याद रखिएगा, ये देश का माहौल जिसने खराब करने की कोशिश करी है, बताने की जरूरत नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश की आज के हालात बात करिए ना, दिल्ली में प्रदूषण भी है, सांस्कृतिक भी है, सामाजिक भी है, सब इतना का है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से झूठे घोषणा पत्र वहां जारी करे गए, उत्तर प्रदेश में 9 रुपए यूनिट बिजली चल रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वहां जाके कह रहे थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो जो जो परिस्थितियां वहां पे बता रहे थे लोगों को, सौगातों से समीकरण साधने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, सौगातों से, हिंदू मुस्लिम, बिरयानी, पाकिस्तान, इसके अलावा क्या चला है भारतीय जनता पार्टी, इसके अलावा क्या लेके आई? पाकिस्तान, हनुमान चालीसा, हनुमान जी, बताइए जिस देश के, जिस प्रदेश का सूबे को, मुख्यमंत्री को आपने आतंकवाद कह दिया, बात की है, ऐसी बात नहीं है। वो भी तो कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनियों पे उन्होंने भी बात की है, ऐसी बात नहीं है। देखिए अवैध कॉलोनी की बात नहीं कर रहे हैं, जो जो वर्डिंग्स थी भारतीय जनता पार्टी के, एक दिल्ली, एक हमारे देश का सूबे के, बताइए मुख्यमंत्री को, केजरीवाल का पाकिस्तान कनेक्शन ही साबित, पाकिस्तान कनेक्शन, आतंकवादी, ये सारी चीजें साबित कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही हार मान चुकी थी, हार मान ली थी, बिल्कुल हार मान ली थी। और एक चेहरा भी नहीं सामने, नहीं नहीं, अब चेहरा कहां से लाते भाई, चेहरा लाई नहीं पाते। रिंकिया के पापा थे, रिंकिया के पापा थे, तो आप बता दिए कैसे अश्लील गाने वो गाते हैं। अरे पहले क्या कोई, अरे पहले और अब की क्या बात है, जो अश्लील गाने वो गाते हैं, आजकल कोई भी अपने माँ बाप या बेटे के साथ या बेटी के साथ वो गाने देख भी नहीं पाए। तो केवल शर्जिल इमाम में है और शर्जिल इमाम के साथ गलबैया करने में है, वो तो आप लोग करते हैं, वो आप लोग करते हैं, हम शर्मिंदा हैं, आप लोग करते हैं, ऐसे लोगों को आप लोग करते हैं, प्रोसिक्यूशन 5 साल रोकने में, जेडीयू तो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, शर्जिल इमाम केवल 5 साल प्रोसिक्यूशन को रोक करके रखो, इसमें चल लेता है, ये शर्जिल इमाम के साथ गलबैया करो, आसाम को देख के अलग करो, आरोप प्रत्यारोप बाद में कर लेंगे, आरोप प्रत्यारोप और ये इसमें शामिल है पूरी तरीके से, और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होने जा रहा है, आपकी बार चुनाव में 2 दिन बाद पता, दिल्ली में क्या होगा ये बताइए ना, आप एक लाइन में बताइए दिल्ली में क्या होने जा रहा है। जनता निकली बार 50+ जाएगी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी जाएगी। चले प्रमोद गोस्वामी जी भी हैं हमारे साथ। प्रमोद गोस्वामी जी, दिल्ली की जनता ने बार बार चुनाव में एक अलग तरह का संदेश सेट किया। जब पूरे देश में मोदी लहर थी तब केजरीवाल को पूर्ण बहुमत के साथ, ऐतिहासिक सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता दिला दी। इस बार भी जिस तरह का माहौल है, अब केजरीवाल के साथ 5 साल का उनका कार्यकाल भी जुड़ा हुआ है, साथ में राष्ट्रवाद की लहर भी इधर बनी हुई है, सीए और जिस तरह से कानून के विरोध के तौर पर एक धड़ा वहां पर खड़ा हुआ है, आप दिल्ली के चुनाव को किस तरह से देखते हैं? और आज जब 5 बजे तक का ट्रेंड से बता रहा हूं कि 50 से 55 के बीच में वोटिंग भी हुई, जनता क्या सोच रही होगी? देखिए राव जी, दो चीजें अभी जो डिस्कशन में हमारे आई, मुझे तो ये लगता है या जो अगर चुनाव का पूरा माहौल अगर आप देख लें तो पूरा चुनाव ब्लेम गेम पे रहा, ब्लेम गेम रहा, और दूसरा वोटों के लिए तुष्टिकरण की राजनीति जी भर के की। शुरुआत विकास से हुई लेकिन बाद में ब्लेम पे आ गया। हाँ, वो सब पूरा वो शुरुआत हुई लेकिन उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप,
उन्होंने राष्ट्रवाद पर सवाल उठाए, उन्होंने पाकिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा, इस ढंग के जो हनुमान चालीसा अभी आज हनुमान चालीसा आ गया और शाहीन बाग को ले लीजिए वो घटने। लेकिन जनता से देखिए, ये लोकतंत्र का ये मैं मुझे लगता है कि जिस ढंग की सत्ता की राजनीति के लिए जिस ढंग की बिसाते बिछाई जा रही हैं वो लोकतंत्र के लिए कोई बहुत अच्छी पहल नहीं मानी जा सकती। उसकी समस्याओं को लेके उनकी जो वहां के गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे केजरीवाल की रही हो चाहे और कोई गवर्नमेंट भी हो, उसके विकास कार्यों की आलोचना करें और विकास का अपना एजेंडा रखें। लेकिन अब इधर पिछले लंबे समय से ये देखने को मिल रहा है कि अब वो नहीं रह गया है, या तो वो कहीं जाति धर्म के नाम पर हो, जाति पर हो रहा है, कहीं असर पड़ता है ये सोच तो मतदाता के मन में आती है। लेकिन अगर आप देखें तो फिर इसका कहीं ना कहीं एक सर्टेन पीरियड तक तो वो चीज लोगों को ग्राह्य होती है, उसके बाद फिर वो वोमिटिंग होने लगती है। तो मुझे लगता है कि अगर पिछले बार का चुनाव देखें, जब पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक लहर था या जो भाजपा का एक जो था, लेकिन उसके बावजूद 67 सीटें लेके आए, तो कहीं ना कहीं जनता का एक वो भी रहा। अच्छा, दो सवाल है संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। जब ट्रेंड्स ये कहते हो कि जब सरकारें बहुत काम करके जनता के बीच में जाती हैं, अपने कामों को गिनाती हैं, यूपी में आप देखिए काम बोलता है के नारे लगे, इंडिया शाइनिंग के भी नारे लगे, तभी सत्ता बदल जाती है। क्या इस तरह दिल्ली में कुछ होने जा रहा है? जनता के ऊपर ध्रुवीकरण का जो दांव होता है वो कुछ व्यापक असर छोड़ता है परिणामों में? नहीं, जो अभी ट्रेंड आए अगर आप देखें तो 2015 में 3 बजे तक 67% वोट हुआ था, पड़ा था, और अब की 41% पड़ा है, 4 बजे 47% हुआ था। तो ये जो परसेंटेज जो गिर रहा है ये कोई बहुत अच्छा बता, ये किसके पक्ष में जाता है? जब सरकारें ये सोचती हैं कि बंपर वोटिंग होगी, जनता देखिए अब में लामबंद होगी, अब इसको ये अब ये राजनीति या जो ये समीकरण बैठते थे ये प्रोडक्शन हुआ करते थे, मुझे लगता है कि अब ये प्रोडक्शन थोड़ा सा बिगड़ रहे हैं। अब इससे आंकलन नहीं कर सकते, जनता आखिरी वक्त तक तय करती रहती है, नहीं तय करती रहती, अब वो ज्यादा जागरूक हो गई है, वो इन चीजों से ज्यादा समझने लगी है कि बिरयानी नहीं चले, बिरयानी चले के आतंकवाद चला कि नहीं चला, ये सारी चीजें जो हैं अब जनता बहुत समझदार हो गई है। तो मुझे लगता है कि इसका लाभ देखिए, अब जो ये मतदान अगर कम हुआ है तो मुझे लगता है कि अगर उसको सरसरी नजर से देखा जाए तो मतदान अगर जो कम हुआ है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवालिया निशान तो नहीं, थोड़ा निशान तो सरकार पे लगता है, वरना उसने जितने विकास कोई ऐसी दशा थी नहीं कि मौसमीय प्रभाव था या कुछ ऐसी घटना थी, ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी अगर जनता बाहर नहीं निकली तो ये थोड़ा चिंताजनक तो है लोकतंत्र के प्रयासों के हिसाब से। दीपक जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके प्रवक्ता हैं। दीपक जी, चुनाव लगभग अब खत्म हो चुका है, ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो चुकी है, आपके हिसाब से क्या आप सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं या बीजेपी की बाधा है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि दिल्ली में झाड़ू चल गई। मैं आज टीवी डिबेट में भी थोड़ा लेट इस वजह से हो पाया कि मैं दिल्ली की अलग अलग बूथों पर जाकर जनता को देख रहा था, जनता एक उत्साह की लहर में आई और आई और झाड़ू का बटन, वो तो आपको पहचानते होंगे ना साहब, वो तो आपको पहचानते होंगे, तो वो तो आपको बताएंगे। पुणे झाड़ू चल गई, कोई गुप्त सर्वे करा लिया क्या आपने तुरंत? नहीं जैन साहब, सब खाली जानते होंगे तो आपके सामने तो कहेंगे जैन साहब, मेरा सर्वे नहीं है ये शैलेंद्र जी, ये जनता का सर्वे है। जनता ने आज जिस तरह का उत्साह आम आदमी पार्टी के अंदर दिखाया है, जिस तरह की उन्होंने वोटिंग की है, कौन से आपके मुद्दे हो गया है जो केजरीवाल का विकास था? आम आदमी पार्टी 65 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी जीतकर पुनः दिल्ली में ऐतिहासिक सरकार बनाने जा रही है। कौन से आपके मुद्दे थे जो आपको लगता है कि जनता ने उस पर मुहर लगाई है, एक तरफा लगाई है कि आप जो फिर से इतिहास रचने को तैयार है? बीजेपी के तमाम दाव, मोदी का चेहरा, मोदी के कामकाज, राष्ट्रवाद की लहर, सब किनारे हो गई, कौन से मुद्दे थे आपके? शैलेंद्र जी, हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास था। पहली बार किसी भारत के मुख्यमंत्री ने टीवी पर बैठकर कहा कि अगर मेरी सरकार ने काम किया है तो मुझे वोट देना। हम पहले दिन से जब चुनाव में आए, पहले दिन से विकास के मुद्दे पर आए, पहले दिन से पर काम आप के तो कह रहे थे कि आपकी सरकार को काम करने नहीं दिया, फिर वो कैसे करें कि हमने काम भी किया है?
काम करने भी नहीं दिया, काम कर भी लिया, ये दोनों चीजें हो गई क्या? शैलेंद्र जी जो पिछले 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 दो हजार जो पिछले दो साल के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया कि दिल्ली में दिल्ली की चुनी हुई सरकार ही काम करने के लिए अधिकृत है, उसके बाद सरकार ने जो डबल इंजन से काम किया वो काम बड़ा सराहनीय था, दिल्ली की जनता ने अमित पुरी जी बताइए पार्टी के पक्ष में वो तो कह रहे हैं कि जब किया है कोर्ट का फैसला आ गया तब उसके बाद जो काम काज किया उसके आधार पर ही जीत की कहानी लिख देंगे, उससे पहले तो आप करने ही नहीं दे रहे थे, इतना क्यों डरे हुए थे? शैलेंद्र जी मेरा ना मानिए, शैलेंद्र जी आप मेरी बात को ना मानिए, आज आप दिल्ली की सड़कों पर पुणे निकले, हम तो मान रहे साहब, हम तो सबकी मान रहे, हम तो बीजेपी की भी मान रहे, ये पूछे कि आज आप किसे मतदान कर कर आए? ठीक है अमित पुरी जी, सुन लिया आपने ना, दिल्ली की सरकार ने दो साल में डबल इंजन से काम किया, उससे पहले आप करने नहीं दे रहे थे, करने नहीं दे रहे थे, मैंने तो ये नहीं थे तब भी कहा ना कि वो एलजी साहब इनके साथ कुछ करते थे ऐसा बार बार कहते थे, इतना डबल इंजन से काम किया, दिन में सेक्रेटेरिएट में बैठ के काम किया और रात में चीफ सेक्रेटरी को घर पे बुला करके सिटकनी बंद करके काम किया, इतना डबल इंजन से काम किया, 69% का वोटिंग परसेंटेज 55% पे गिर गया, जो आम आदमी पार्टी 50% के ऊपर वोट पा रही थी, आज कुल दिल्ली का मतदान 50% के आसपास आकर ठहर गया, इतना डबल इंजन से काम किया कि लोगों का घर से निकलना ही मतदान में रुझान ही बंद हो गया, आपके लिए उत्साहजनक है कि जनता बाहर नहीं निकली, बीजेपी के लिए निकलनी चाहिए थी, मैंने कहा इतना डबल इंजन से काम किया कि दिन में सेक्रेटेरिएट में काम किया और रात में सिटकनी बंद करके, नहीं तो उन्होंने कोई भी काम किया लेकिन जनता के बीच जाके काम, कोई भी काम किया क्या मतलब है, कोई भी काम किया का क्या मतलब है, उन्होंने काम किया का क्या मतलब है, आप बताइए वहाँ पर स्कूलों की स्थिति क्या है, अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या है, मोहल्ला क्लिनिक तो अस्पताल बने हुए हैं, अस्पताल बने हुए हैं मोहल्ला क्लिनिक, पार्टी ने काम किया तो उसे वोट दें, भारतीय जनता पार्टी ने तो, और ये बता रहे हैं एक मिनट, ये बता रहे हैं कि देश का इकलौता मुख्यमंत्री है जिसने कहा कि मैंने काम किया तो वोट दे, अखिलेश जी ने भी कहा था, अखिलेश जी ने भी कहा था काम बोलता है, उनका काम तो बोल गया साहब, तो क्या केजरीवाल का भी काम बोल जाएगा क्या, हम आए आपने बहुत काम किया, आपने भी तो इंडिया साइनिंग बोला था, आपने भी तो इंडिया साइनिंग बोला था, अटल जी का चेहरा था, उनका कामकाज था, तो हम स्वीकार करते हैं ना, हम स्वीकार करते हैं ना, तो सवाल खड़े कर रहे हैं, स्वीकार करते हैं ना, हमने तो स्वीकार किया ना कि इंडिया शाइनिंग का तो नारा नहीं चला, की राजनीति कौन लेकर आया, हमने चला के चुनाव में ध्रुवीकरण की राजनीति कौन लेकर आया, चाहिए बात को मुद्दा किसने बनाया, बिरयानी को कौन लेकर आया, जो केजरीवाल बोलने को तैयार नहीं थे शाहीन बाग पे और इनके डिप्टी चलते थे, आप बुलवाना चाहते हम शाहीन बाग के साथ सकते थे, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में बस बैठते हैं, क्या ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं हुई, जब जरूरत दिल्ली जैसा राजस्थान जिसने न्यू पॉलिटिक्स का एक एग्जांपल सेट किया था, वहाँ पर हम चाहते तो विकास की लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन पुराने जातिगत समीकरणों ध्रुवीकरण की राजनीति में फिर से फंसाने की कोशिश की गई दिल्ली के चुनाव को, जो प्रोसिक्यूशन को 5 साल रोक कर रोके वो कौन सी कैटेगरी में आता है, जरा आप बता दीजिए, अब हो गया, अगर शाहीनबाग के अंदर आपका कोई काम है तो मुझे बोल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी शाहीनबाग का रोड खुलवा देगी, बीजेपी खुलवा देगी जी, फरत रहे इसका, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव बहुत ज्यादा काम किया, जो वोटिंग परसेंट पे गिरा होगा खाली वही वोट पे मेरी, मैं सुन तो लीजिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया, जिन जिन नौजवान बच्चों के हाथों में कॉपी कलम होनी चाहिए उन्हें कट्टे तमंचे थमाए, और वो हिंदू सभा ने कहा कि हम उसका सम्मान करेंगे, जो गोली चला रहा है दिन दहाड़े लड़कियों को मरवाया वहां पर जेएनयू के अंदर बेचारी नौजवान लड़कियों को, कम उम्र की लड़कियों को, हाँ आपने बहुत काम किया, स्कूल कि नौजवान लड़कों पे क्या क्या हो गया था, और आपके मुख्यमंत्री ने एक महिला पत्रकार से कहा था तुम्हारी इज्जत तो सुरक्षित है, वो तो नहीं गई, ये देखिए क्या हो गया भाई, ये वो लोग हैं भाई, ये वो लोग हैं, पानी पिलाइए भाई, ये भाई ना दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप, बोल क्या बोल रहे हैं, जो मुलायम सिंह नौजवान लड़कों जो अखिलेश सिंह
अखिलेश यादव पाकिस्तान के नाम पे चुनाव जीतना में दिल्ली को दिया गया प्रमोद गोस्वामी जी, प्रमोद गोस्वामी जी, ठीक है दीपक जी आपकी बात सुन ली हमने। प्रमोद गोस्वामी जी आप ठीक है साहब हो गई बात। प्रमोद गोस्वामी जी, पिछले कुछ चुनावों को देखें तो बीजेपी के लिए जिस तरह से चुनौती बनी है, चाहे हम महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम देख लें, झारखंड का देख लें, हरियाणा का देख लें, अब दिल्ली पे सबकी नजर है, क्योंकि ये लिटमस टेस्ट होगा कामकाज का, ये लिटमस टेस्ट होगा राष्ट्रवाद का, ये लिटमस टेस्ट होगा मोदी और अमित शाह के नए जो 2.0 सरकार है उसके विश्वास का, क्योंकि दिल्ली की जनता बड़ी जागरूक है। आपको लग रहा है अलग 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 स्तर पर देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए ये चुनाव किस तरह का सबक देने जा रहा, परिणाम कुछ भी हो? देखिए राहुल, निश्चित रूप से ये जो बात आप कह रहे हैं कि इधर पिछले कुछ समय में जो भारतीय जनता पार्टी की राज सरकारों का वहाँ से गिरना, वहाँ से उनकी पराजय होना, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और शायद तब जब सरकार ने बड़े फैसले लिए, मैं देखिए दो चीजें इसको, बड़े फैसले लिए वो निश्चित रूप से अच्छे फैसले लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जनता की गरीबी, जनता की बेरोजगारी, जनता की लॉ एंड ऑर्डर, ये ऐसे मुद्दे जिससे जनता सीधी जुड़ी हुई है। आप वहां 370 हटा दें वो एक अच्छा फैसला है, ठीक है, 35 से हटा दिया बहुत अच्छा है, चेहरे का भी चमत्कार है, लेकिन उसके साथ साथ जो जनता की समस्याएं हैं वो अपनी जगह पर है, जो कमिटमेंट थे वो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों या उसकी वजह से पूरे, तो यही जनता है। प्रमोद गोस्वामी जी, यही जनता है जो लोकसभा का चुनाव होता है और सातों की सातों सीटें बीजेपी के खाते में चली जाती है, जब विधानसभा में आता है तो पूरी संख्या, पूरा अंक ही बदल जाता है। ऐसा देखिए, वो चूंकि राष्ट्र का चुनाव होता है, वो केंद्र का चुनाव होता है, तो वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं। दिल्ली की स्थिति तब वही थी, सारा सब कुछ केंद्र के पास होता है। हाँ, नहीं वो होता है, लेकिन वहां अगर आप देखें तो सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी। अब हालात जो है, जब विधानसभा के चुनाव में स्थितियां अनुकूल नहीं है उतनी, ये ठीक है कि स्थानीय मुद्दों का जोर ज्यादा है, स्वाभाविक है। देखिए लोग, आप दल ने वहां पर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये इस मामले में वहां लोगों को, जनता को राहत देने का काम किया, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। और शायद वही जो अभी जैन साहब, अभी भी केजरीवाल के विकास से टकराव करना आसान है दूसरी पार्टी, और नहीं नहीं उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर कई मुख्यमंत्रियों को, मंत्रियों को, सांसदों को, एमएलए को पूरी तरीके से अपनी पूरी ताकत लगा दी। अच्छा, कांग्रेस के लिए क्या है, शॉर्टकट में बता दीजिए। हाँ, देखिए कांग्रेस वहां कांग्रेस, आप बताइए कि जहां कांग्रेस ने 15 साल निष्कंटक राज किया हो, वहां उसका संगठन नहीं बचा। और दूसरे विकास की कहानी तो शीला दीक्षित ने भी दिल्ली, निश्चित रूप से आज भी लोग याद करते हैं, आज भी इस बात के लिए दिल्ली के लोग प्रशंसा करते हैं शीला दीक्षित जी के, वहां जिस ढंग से पुल बनाए, जिस ढंग से दिल्ली में कोई ट्रेंड सेटर पॉलिटिक्स चाहिए, ऐसा चेहरा चाहिए, ऐसी सोच चाहिए जिस पर अब जनता मुहर लगा रही। नहीं देख, वो तो वो भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा उसका भी अपना एक भूमिका तो जरूर होती है राहुल, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जन समस्याओं को लेकर जो सरोकार हैं, उन सरोकारों से जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं डिबेट कर रहे हैं, और शायद उसी का ये परिणाम है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी ये ताकत लगाई है यहाँ पूरी तरीके से, वो सिर्फ उसकी वजह यही है कि इसका परसेप्शन जो इधर, चाहे छत्तीसगढ़ और ये जो हरियाणा, इधर सब लेके आ जाएं आप, तो इनसे जो एक परसेप्शन बन रहा है, परसेप्शन को बनाए रखने के लिए उसने पूरी ताकत वहां लगा दी। ताकत तो अमितपुरी जी पूरी आपने लगा दी है, तस्वीर बदल पाएंगे? मैं इस बात को अभी सुन रहा था, कहा गया इतने मुख्यमंत्री, इतने सांसद और ये लगाए गए,
आखिर लोकतंत्र पे काम करने वाले सार्वजनिक जीवन के कार्यकर्ता किन्हीं भी पदों पे चले जाए, मूल रूप से वह संगठन के व्यक्ति हैं। यह हमारा काम करने का अपना एक प्रणाली है, ठीक है। किसी की आपत्ति हो सकती है। हमारे लिए प्रधानमंत्री भी एक कार्यकर्ता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता है और बूथ का अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता है। हम वीआईपी कल्चर में विश्वास नहीं करते। शाहीन बाग वाले किसके कार्यकर्ता? इसीलिए तो वोटिंग चुनाव हटेगा वैसे। अरे थोड़ा वोटिंग परसेंटेज शायद इसीलिए गिरा, वो बाकी शाहीन बाग में बैठे रह गए क्या? गई नहीं बिरयानी खाने में बैठे रह गए क्या? किसके हैं? केजरीवाल ने हनुमान चालीसा पढ़ दी तो बड़ी दिक्कत हो गई आपको, वो नहीं पढ़ सकते? हनुमान चालीसा बिल्कुल राम जी मंदिर सब पेटेंट करा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। उनके हनुमान चालीसा पढ़ने से आपत्ति पड़े, चुनाव के समय ना पढ़े बाकी भी पढ़ते रहे। चुनाव के समय पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है? चुनाव के समय मुश्किल के समय हर कोई ईश्वर को याद करता है। अच्छी बात है, फरत रही पैराडाइम शिफ्ट आया है। चालीसा का ये कहां से चाल आ गया बीच में? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक प्रमुख अमित जी से एक बात, अमित जी इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि प्रधानमंत्री जी आए या और राष्ट्रों के लोग भी आ जाएं, इस पर किसी को आपत्ति नहीं है। ये पार्टी का अपना वो है, उसमें प्रधानमंत्री, लेकिन सामान्यता सामान्यता बात ये रही है कि जो राज्यों के चुनाव होते हैं उसमें प्रधानमंत्री या उसमें जो राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हैं वो सामान्यता मतलब प्रतिबंध नहीं है। कन्वेंशन बना हुआ है, बाय इलेक्शंस में केवल कन्वेंशन है, स्वामी जी कह रहे हैं प्रचार के लिए नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा प्लान बने, जरूरत से ज्यादा डिप्लॉयमेंट किया जाए कोर मेंबर्स का, तो इसका मतलब होता है कि चुनौती बड़ी है। तो क्या वास्तव में दिल्ली में बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी थी? बिल्कुल निश्चित तौर पे, एक विकास पुरुष था जिसने विकास किया था। देखिए देखिए कितना लड़ना पड़ा, पूरा एनडीए हो गया, जेडीयू आ गए, कितनी कितनी पार्टियां आ गई क्योंकि विकास पुरुष था। उस विकास पुरुष से अकेला वो शख्स था। आप बता दिए उसके बाद अगर ये हार जाएंगे तो क्यों? क्योंकि आपने विकास नहीं किया कहीं पर भी, आपने झूठ बोल के वादे करे। आप 10 रुपए यूनिट बिजली यहां दे रहे हो, वहां फ्री की बात करते हो। आपके 1000 स्कूल गुजरात में बंद हो गए, वहां कहते हो गुजरात मॉडल स्कूल बनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे जनता अच्छी तरीके से समझती है। और इसी के लिए कोई दांव खेला गया था बस सिर्फ कमनल कराने के, इसके अलावा और कुछ नहीं था। शाहीनबाग पाकिस्तान आतंकवाद, अच्छा शाहीनबाग कमनल है? उसके मानते हो कि शाहीनबाग कमनल है? उसका मैं तो आज तक नहीं कहा। अरे अब आ गई सच्चाई ना कि शाहीनबाग कमनल है? आपने किया शाहीनबाग कमनल है? यानी क्या है? शाहीनबाग कमनल है, ठीक है। दीपक जैन जी, जब चुनाव में फ्लाईओवर्स पर चर्चा होनी चाहिए थी, जब चुनाव में शैक्षणिक संस्थानों के स्तर की बात होनी चाहिए थी, दिल्ली की सूरत बदलने की बात होनी चाहिए थी, दिल्ली की ग्लोबल इमेज की बात होनी चाहिए, तब मुद्दा शाहीन बाग हो गया, तब मुद्दा हनुमान चालीसा हो गई, तब मुद्दा यहाँ पर सीए का प्रोटेस्ट हो गया। आपको लगा नहीं कि दिल्ली का चुनाव विकास से ज्यादा यहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति के अंदर घूमने लगा? शैलेंद्र जी देखिए, मैं भी और मेरी पार्टी भी और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी जिस दिन चुनाव में कदम रखा, हमने एक नारा दिया कि यह चुनाव होगा काम पर। हमने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखा, आने वाले 5 सालों में हम क्या गारंटी जनता को दे सकते हैं, एक गारंटी कार्ड जनता के बीच रखा। हमने पहले दिन से दिल्ली का चुनाव दिल्ली के काम पर चलाया। हमने बोला हमने बिजली फ्री दी, हमने बोला हमने पानी फ्री दिया, हमने महिलाओं के लिए काम किया, डीटीसी के लिए काम किया, अनाधिकृत कॉलोनियों में काम किया, हमने सीवर डाले, हमने सड़कें बनाई, हमने पानी घर घर पहुंचाया, पानी फ्री दिया। अमितपुरी जी बहुत, आप सोचिए जिस दिन दिल्ली के अंदर गृह मंत्री जी, जिस दिन दिल्ली के अंदर गृह मंत्री जी प्रवेश करते हैं, वो मंच पर खड़े होके कहते हैं कि गोली मारो, वो मंच पर खड़े होके कहते हैं शाहीनबाग के खिलाफ, वो मंच पर खड़े होके कहते हैं जय श्री राम, वो हिंदू के नाम पे दीजिए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में एंट्री की, ऐसा है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में एंट्री की, क्यों एंट्री क्यों कर दी? वो पहले बाहर थे क्या? बाद में एंट्री की क्या? बाद में एंट्री की जनता ने आज अच्छा एंट्री हो गई बीजेपी की, ये तो मान लिया ना, ये रिजल्ट आने के पहले मान लिया एंट्री हो गई। इसकी एंट्री कौन एग्जिट? अब एग्जिट ही होगा तभी तो एंट्री मान ली है। आंसर आ गया आपका कि बीजेपी ने एंट्री कर ली और अमित शाह चुनाव प्रचार होते के साथ बीजेपी की एंट्री हो गई। बीजेपी की एंट्री हो गई, ये दीपक जैन मानते हैं कि बीजेपी की एंट्री हो गई। रूट क्या है, वाया कहां से है? आप फाइट में है
वाया क्या है, विकास है, डेवलपमेंट है या बिरयानी? भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात नहीं करेगी, और अब देश में प्रदेश में जो डेवलपमेंट की बात नहीं करेगा वो जनता उसको बाहर कर, बिल्कुल जनता ने सब कुछ तय कर लिया, जनता ने सब कुछ तय कर लिया, और ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत भी कैद हो चुकी है। लेकिन बाद में ईवीएम को बेईमान न कहना, बेईमानी मान हो गया। आज की बहस में इतना ही, तमाम मेहमानों दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। 11 फरवरी की शाम सब कुछ दिल्ली के लिए साफ कर देगी। नमस्कार।